हेलो एंड वेलकम बैक, दिस इज प्रज्ञा एंड आप देख रहे हो मास्टर क्लास। एंड आज की वीडियो है चैप्टर 2 यानी कि ग्राफिक डिजाइन, जो आपने लास्ट चैप्टर में सीखा था उसका नेक्स्ट पार्ट जो है ये है। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को हिट कर दो और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि डिज़ाइन आखिर में होता क्या है। तो इतने अच्छे तरीके से मैंने आपको डिज़ाइन के बारे में समझाया है, बहुत ही सिंपल तरीका था, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखो। और आज की वीडियो में हम ये समझेंगे कि डिज़ाइन बनती कैसे है, यानी कि उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। इसके एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं वो आज की वीडियो में हम सीखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि उन एलिमेंट्स के यूज़ आप कैसे कर सकते हो। सो डिज़ाइन के 6 एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें पहला होता है लाइन, सेकंड होता है शेप, थर्ड होता है कलर, फोर्थ है फॉर्म एंड फिफ्थ है टेक्सचर एंड सिक्स जो है वो है बैलेंस यानी कि स्पेस। सो सबसे पहले मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ये जो एलिमेंट्स है ये हैं क्यों। तो फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से एक ह्यूमन बॉडी बनती है, उसके हाथ होते हैं, पैर होता है, सिर होता है, सारी चीज़ें मिला करके एक ह्यूमन बॉडी बनती है। अगर इसमें से कोई एक भी ना हो तो बॉडी जो है इनकम्प्लीट होती है। वैसे ही ये सारी चीज़ों को मिला करके एक डिज़ाइन बनती है। इनका यूज़ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से करना चाहते हो। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि इसका यूज़ हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। तो बिगनर्स के माइंड में ना बहुत ज़्यादा ये सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो ये भी सोचते हैं कि किस हद तक आप डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो, कौन कौन सी चीज़ है जो डिज़ाइन है। तो जैसे कि मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि हर चीज़ डिज़ाइन है, चाहे आप सॉन्ग ले लो, चाहे आप मूवी ले लो, चाहे आप इंटीरियर डिज़ाइन ले लो, चाहे आप अपने गार्डन की ही डिज़ाइन क्यों ना ले लो, या एक बच्चा अगर पेपर पे ड्राइंग बनाता है वो भी एक डिज़ाइन है। सो ऑब्वियसली वो एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं आपको पता है। एंड ये जो एलिमेंट्स हैं ये हैं ग्राफिक डिज़ाइन के एलिमेंट्स। ये कहीं भी हो सकते हैं, चाहे वो आप वेब डिज़ाइनिंग में देख सकते हो, पेंटिंग में देख सकते हो, या फिर आपके घर के कर्टन, चद्दर, कहीं पे भी आप वो डिज़ाइन को देख सकते हो। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इन एलिमेंट्स का यूज़ कहाँ कर सकते हो, कहाँ डिज़ाइन बना सकते हो। इवन आजकल तो टी शर्ट्स वगैरह पे भी इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन के आ रहे हैं, ज्वेलरीज पे इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बन के आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी फील्ड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप इन एलिमेंट्स का यूज़ कहाँ करोगे। लास्ट क्वेश्चन कि क्या हम डिज़ाइनर बन सकते हैं, क्या हमें वो बात है, क्या हम क्रिएटिव हो सकते हैं। किसी को भी डिज़ाइनिंग की फील्ड में जाने से पहले एक बार कुछ लोगों को तो अपने ऊपर डाउट होता ही है कि क्या हम उस लेवल तक पहुंच सकते हैं। ऑब्वियसली पहुंच सकते हो, क्योंकि कोई भी क्रिएटिव पैदा नहीं होता, आप प्रैक्टिस करके क्रिएटिव बनते हो। एंड सबसे बड़ी बात कि ये जो एलिमेंट्स हैं ना, इनके बारे में अगर आपको स्टार्टिंग से पता हो ना, तो आप इनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप से यूज़ करके अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो। और क्रिएटिविटी जो है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करोगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितनी ब्रॉड फील्ड है। सो नेक्स्ट वीडियो जो है हमारी इसी टॉपिक पे होने वाली है कि किस तरीके से हम इन एलिमेंट्स को यूज़ करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो ना तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि वीडियो का फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सके। क्योंकि भाई ये कोर्सेज बहुत महंगे हैं, सो जस्ट फॉर योर हेल्प मैंने ये बनाया है, तो इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ, बाय बाय।